और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई सारे दिन अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी। अभी मैं आई हूँ, फिलहाल मैं आई नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत गंदा सीन करा दिया मेरे फ्रेंड ने, डेढ़ घंटा वेट कराया, डेढ़ घंटा गाइस, डेढ़ घंटा मायने रखता है, बट कोई बात नहीं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ईओडी पार्क। आप भी तो हरीश चंद ही रहेगा यार, तू क्या कर रहा है यार, कहाँ जा रहे हो? मैंने टोकन ले रखा था और मैं बार बार उसको लगा रही, मैं कह रही यार अंदर क्यों नहीं जा रही, मैं बार बार बंद हूँ जरा, बाद में पता लगा टोकन डालना है यार, क्या पोपट कट गया मेरा गंदा वाला, और मैं कार्ड की तरफ से लगा रही हूँ, बार बार वो बंद हो जा रहा है, जैसे ही मैं जाऊँ बंद हो जा रहा है। कैसा फील हो रहा है तुझे लेके बैठी थी? बहुत दिनों बाद इसके बैठो में ऐसी लगती थी बातचीत बैटरी वाले से बातचीत अलग है। पार्क में हम आ चुके हैं, अभी हम एंट्री करते हैं, उससे पहले आपको कुछ बता दो, कोई मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, जैसे उत्तम नगर से कोई आ रहा है तो सीधा उत्तम नगर बैठे, रजौरी गार्डन में पिंक लाइन चेंज करे, पिंक लाइन से सीधा पाओगे पंजाबी बाग, और पंजाबी बाग आने के बाद आपको वहाँ से रिक्शा करना पड़ेगा, 20-20 रुपये लगेंगे, अगर दो जने हो, हम दो जने थे तो हमारे 40 रुपये लगे, हम सीधा आ चुके हैं, और जो जहाँ से प्लीज़ गूगल बाबा पर सर्च मारे वहाँ आपको साइड लोकेशन पता चल जाएगी, वहाँ से पता कर सकते हैं, और बाकी हमको मिलते सीधा अंदर जाके। अगर गाइस अब सैटरडे संडे आते हो तो आपको 150 की टिकट पड़ेगी पर पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे कपल एंट्री आपको फिर पड़ेगी 300 के आसपास की, और अगर आप अदर डे आते हो तो आपको 100 की टिकट पड़ेगी, और मंडे ध्यान से मंडे यहाँ पे ऑफ रहता है, तो प्लीज़ मंडे को ना आए यहाँ पे। सो फाइनली गाइस हमने एंट्री यहाँ से कर चुके हैं, और रात को आओगे तो यहाँ लाइटिंग बड़ी अच्छी मिलेगी आपको, एंट्री करते आपको ऐसा कुछ दिखेगा, वॉशरूम यहीं पे एंट्री करते के साथ ही वॉशरूम मिल जाएगा आपको, अगर वॉशरूम लगा हो तो, अदरवाइज हम यहाँ से एंटर करके आपको दिखाते हैं। और ये हमारा हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार, जैसे कि ये बना हुआ है, जैसे कि ये बना हुआ है, हाँ सही बोला तूने, यहाँ पे ऐसा है, ओरिजिनल में ऐसा है, अभी हम एंटर करते हिंदुस्तान के प्रवेश द्वार में, चलिए बस तो यही करियो, और क्या करूं? बैग तो दिखाते ना, बैग पकड़ा हुआ आज। चल चल एंटर कर, स्वागतम स्वागतम सपना। अब मैं बिना एक्सप्लेन करे, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट आपको सारी चीज़ एक्सप्लोर बढ़िया से कर देती हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद हम अपनी मस्ती दिखाएंगे अगर हुई तो, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे 1 आवर्स के लिए आए हैं, बिकॉज शाम को मुझे घर जाना है, जल्दी लेट आए हैं, जल्दी जाएंगे, क्या कर सकते हैं, बुरा लगता है। ये देखो मैं रियल में तो गई नहीं थी हवा महल, मैं तो इधर के दिखा दूँ आपको, सो मैंने आज हवा महल की अपनी फोटो भी क्लिक कराई। यो चलो, सो ये आपका गोल गुंबाज ऐसा बना है, और जो इन मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, देन ओरिजिनल ऐसा है, मतलब बनाया है जो मटेरियल से ऐसा है, ओरिजिनल कहाँ पे मुझे भी नहीं पता गाइस, उसके पीछे आपको देख रहा हमारा कुतुब मीनार वोरा, अभी वो भी दिखाते हैं, आपका कुतुब मीनार जो कि इन मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, और जो इस चीज़ से बना है वो इधर, तो नहीं आसपास आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, बहुत अच्छी चीज़ें बना रही, मतलब यू नो अमेजिंग नेक्स्ट लेवल, इसको जाने से रोक दिया है, रोका नहीं है मेरा डब्बा है, वही चला गया, उसके बाद मैं जाऊंगी, क्या मैं जाऊंगी, फोटो क्लिक कराऊंगी, देख सकते हो दूर से, जस्ट फन, तो आपको फोन करके मिलते हैं, कई जगह टच करते कैसे करेगा ये, मीनाक्षी मंदिर है, मंदिर है सॉरी जो तमिलनाडु में, देन ये इस मटेरियल से बना है, और पूरा एक्सप्लोर किया है, मस्त है, पर एकदम मस्त, यहाँ पे बैठ के फोटो क्लिक करा सकते हो इधर, अभी चल ले अब। फिर एक बात समझ नहीं आती, च्युइंगम खाने से क्या मिलता है, एक्सरसाइज, तेरी एक्सरसाइज हो रही है, थोड़ा नीचे होकर चल रहा है, मेरी हाइट छोटी है,
तो 3 दिन से बड़ा हो जा रहा है। पैर कटवा ले अपने, क्या दिखा, चल मैं पकड़ लूं। नहीं तू मत पकड़, तू कष्ट मत कर। पर गाइस एक नंबर मस्त जगह है, आप लोग अपनी फैमिली के साथ आओ, देखो, एंजॉय करो, फुल एंजॉय करने वाली चीज है। बच्चों वाली गाड़ी में बैठी है, बच्चों वाली गाड़ी में बैठी है, तो ये देखो शर्म नहीं है इसको, जिसने करी शर्म उसके प्रोटेक्ट करो। बट ये यहाँ पे बैठ के ना सेमी BMW गाड़ी से। अच्छा BMW दे दो, यही देंगे फिर। दे की तू टेंशन मत कर। चलो चलो गाइस यहाँ पे अब घूम के आपको मिलते हैं सीधा। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है जगन्नाथपुरी, ठीक है, चार धाम यात्रा में से एक नाम है जिनका। देन मेरा वेस्ट मटेरियल से बना है और ये ओरिजिनल है। बट हाँ एक दो तीन चीज़ें यहाँ बहुत पसंद आई, जैसे मंदिर जो बने हुए हैं यहाँ पे। अभी जो हमने यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बनाया वो आपको एक्सप्लोर करा है, बट जिस दिन भगवान ने चाहा मैं ओरिजिनल में बुलाया ना, तो वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे आपको, पूरा मतलब वैसे नहीं, मतलब हम वहाँ जाएंगे तो हम अपनी खुशियाँ दिखाएंगे आपको। ये पता नहीं क्या आ गया मेरे सामने यार, पहले नाम पढ़ने दो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता सामने मेरे क्या चल रहा है, तुझे पता है? तो कुछ चल रही है, दिख रहा था यहाँ पे। ये आ गया शायद गाइस अपना सूर्य मंदिर, यहाँ पे भी ठंडन है। बट यार मैंने ओरिजिनल में अभी नहीं, आप सो क्यों रहे हो, नींद आ रही है आपको, नींद आ रही है? इतना सोना नहीं चाहिए, हम आपसे मिलने आए हैं, तुम्हारा स्वागत करो। और साथ में इसका स्वागत करो च्युइंगम का, च्युइंगम खा के च्युइंगम बना हुआ है। और ये भी देखो गाइस, पर गाइस एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, कला देख रहे हो कितनी ज्यादा, कला की ना हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब वेस्ट मटेरियल स्प्रिंग से, लोहे के पाइप से, चेयर से, मतलब इतनी इमेजिन चीजें बना रखी हैं लोगों ने, और मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते वैसी चीजें, मंदिर बना रही है यार, मतलब इंडिया गेट बना रखा, कुतुब मीनार बना रखा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है हम, तुम सब लिए रोटी सब्जी के अलावा। देखूंगी तेरी बहू कितनी बनाएगी रोटी सब्जी के अलावा भी, वो तेरे को बेवकूफ जरूर बनाएगी। मजाक शहर से गाइस, पर बहुत अच्छी चीज़ है, फैमिली के साथ जरूर आ रहा है यहाँ पे। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई, बट मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें देख के ना अच्छा लग रहा है, मतलब इंडिया में भी अभी भी बहुत चीज़ें हैं, और इंडिया में ये मोस्टली चीज़ें हैं। ये ताजमहल, इसको बनाने में तेरा घर जाएगा ब्रो। ऐसा डायलॉग है ना, देखो सही है, तू हट सामने से, तेरा घर जाएगा इसमें। मेरा घर नहीं जाएगा, ताजमहल है। तेरा ताजमहल है, सही है, बना फिर, मैं जब तू बनाएगा तेरा घर जाएगा इसमें। हमारे राजा जी पधार चुके अपने शाही महल में, बस मेरा स्वागत होना बाकी है। सपना के साथ इसमें करेंगे? नहीं नहीं इसमें नहीं करेंगे, हम एंटर कर रहे हैं आगे। ढंग से फेंकना नहीं आता तुझको, इधर हाथ लगा है अभी, हाथ लगा है एनी टाइम, बस मतलब कुछ भी करना है मेरे को बोलना है, मेरा हाथ लगा है, मेरा हाथ लगा है, बोल दिया हम भी हाथ लगा है। अरे रब्बा, बाल टूट गए ना, कुछ वैसे वाइट बाल हो गए, बुढ़ापा आ गया मेरा, जल्दी जल्दी शादी कर ले पागल, नहीं तो कोई बोलेगा ये तो 60 बाल कलर करवा लूंगी मैं, बाल कलर टाइम नहीं नहीं, बाल कलर कराऊंगी ना मैं अपने, फिर नहीं नहीं फिर पता कपड़े क्या हो जाएगा, जब कलर कर जाएगा तो ज्यादा धोखा मिल गया, उनको धोखा नहीं मिलेगा उसको, पागल धोखा मिल गया उसको। शादी वादी बेकार चीज है, पहले लाइफ में स्टैंड ले ले, तेरे को लग रहा है ज्यादा शादी की पड़ रही है ना, इसको शादी की पड़ रही है, इसकी शक्ल देखो बुढ़ापा आ गया, इसके लिए कोई लड़की हो तो प्लीज DM करो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके, ये इसकी इंस्टाग्राम ID पे जाके DM करो, इसके लिए कोई है तो बताओ, नाम बता दो क्या है, कृष्णा मणि, जियो ले जियो बाहुबली, कौन से ये जो बीच में लगे हैं, फिर देखिए ट्रक की इंजन है ये जो मशीन घूमती है बीच में, अच्छा जी शायद ये लग रहा है गाइस, आपको क्या लग रहा है आप बताओ, मैंने जूम करके आपको दिखा दिया, कमेंट करना क्या है ये, ठीक है।
ये देखो गाइस, ये जितने ना कार वार इतने वेस्ट मटेरियल, अब देखो तितली बन रही है, देख लिया? अब हमें कोई देखे इससे पहले हम स्टॉप करके आगे चलते हैं। गाइस देखो, मैं यहाँ पे फेंटा लेने आया हूँ और अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो इसलिए हम अभी कुछ बाहर का खा नहीं सकते, प्याज लहसुन हो सकता है इसमें, तो अभी हम फेंटा ही पीते हैं फिलहाल तो। बाय। सो गाइस हम फेंटा पीएंगे, अब वहाँ से हम 10-15 मिनट के अंदर निकल जाएंगे। तो आपको आई होप मज़ा आया हो। तो हम फेंटा पीते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। प्यास लग रही है बड़ी ज़्यादा, पानी की जगह हम फेंटा पिएंगे। फेंटा पिएगा, दारू नहीं पिएगा, फेंटा ही है। बेटा दारू पिएगा, पिटेगा नहीं तू। यार फेंटा का बिल मिल रहा है इधर, देखना। शरीफ बच्चा हूँ मैं, दारू नहीं पीता, आज तक दारू को हाथ भी नहीं लगाया, कैसी होती है। अच्छी बात है, लगाना भी नहीं चाहिए। तो गाइस हम यहीं पे ब्लॉग एंड करते आए हैं, आपको सारा ब्लॉग अच्छा लगा, और नेक्स्ट ब्लॉग जितना करे अच्छा ही करे वैसे, अगली बार मेरे अकॉर्डिंग, बट आपके अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता। जो भी अगर गलती हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताया करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और यहाँ पे शनिवार को है 150 रुपए टिकट, मैंने आपको दिखाई दिया, आपने देखा भी होगा। शनिवार संडे को है 150, वैसे आपको 100 रुपीज आपके साथ। मंडे को ऑफ है, मंडे को ऑफ है, ये जरूर ध्यान रखना, आपने देख भी लिया होगा आगे, मैंने पहले दिखाते हैं फुल पावर के साथ नेक्स्ट ब्लॉग।